हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज का देखो हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंट सेल है, ठीक है, जो कि ये भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए अकाउंट सेल क्या होता है हमारा कंसाइनमेंट में। ठीक है, इन जनरल वे में स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, कंसाइनमेंट जो होता है हमारा, ये जो अकाउंट सेल होता है कंसाइनमेंट में, ये कंसाइनी जितना भी सेल करता है, ठीक है, सेल करने के बाद, ठीक है, जो अमाउंट आता है उस अमाउंट में से वो अपना कमीशन डिडक्ट करके एंड अपना अगर उसने एडवांस दिया होता है वो डिडक्ट करके और जो एक्सपेंस किए होते हैं वो डिडक्ट करके जो भी अमाउंट रेमिटेंस बचता है वो सारा सारा कंसाइनर को रिटर्न करता है। ओके, मेन उसे अकाउंट सेल देना होता है कि इतना इतना गुड जो है बिक चुका है, इस प्राइस पर बिका हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंसाइनी जो है कंसाइनर को भेजता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एज दी कंसाइनी इज एन एजेंट एंड इज सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी यहाँ पर एक एजेंट होता है और वो गुड्स को सेल करता है बिहाफ ऑफ द कंसाइनर के। ओके, ही हैज़ टू फर्निश द डिटेल ऑफ सेल प्रोसीड्स, वो क्या करता है स्टूडेंट, सारी डिटेल जो होती है सेल प्रोसीड्स की, एक्सपेंसेस की एंड कमीशन की, वो पूरी फर्निश करके क्या करता है, उस डिटेल्स को मीन रखता है। ठीक है, वही फर्निश करता है टू द कंसाइनर को, मीन कंसाइनर को क्लियर करता है वो कि जो जो सेल प्रोसीड हुआ है, जो जो एक्सपेंस किए हैं उसने और जितना उसका कमीशन बनता है। ही फर्निशेज ऑल दीज डिटेल्स बाय मीन्स ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल। ओके, ये सारे जो डिटेल्स वो भेजता है स्टूडेंट, इसी डिटेल्स को, इस फॉर्मेट को अकाउंट सेल कहते हैं। ओके, दिस शो द क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल प्रोसीड्स रियलाइज्ड, the expense incurred by the consignee, commission due to him, mean यहाँ पे बता रहे हैं this show, ये जो account sale है show करता है quantity and description of goods sold, ठीक है, कितने जो जिस type of goods sale किया है उसके description, sale proceeds realized, कितना amount आ चुका है and expense incurred by consignee, और जितने expense consignee ने किए हैं, commission due to him, जो commission है उसके उसके behalf पे जो मिलता है उसे, ठीक है, sale के behalf पे, एंड दी बैलेंस अमाउंट पेबल बाय हिम टू दी कंसाइनर, बाकी जो अमाउंट है वो सारा अमाउंट जो कंसाइनर को वो वापस करेगा, जो पे करेगा। ओके, वाइल प्रिपेयर ऑन अकाउंट सेल, जब हम अकाउंट सेल को प्रिपेयर करते हैं तो कंसाइनी विल डिडक्ट, कंसाइनी क्या करता है, डिडक्ट कर देता है, क्या क्या करता है, ऑल एक्सपेंस इंकर्ड बाय हिम इन रिलेशन टू दी कंसाइनमेंट एंड दी कमीशन ड्यू टू हिम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, जब अकाउंट सेल बनाएगा तो अकाउंट सेल का जो भी अमाउंट आएगा, मीन सेल का जो भी अमाउंट आएगा उसमें से वो क्या करेगा, अपना कमीशन डिडक्ट करेगा और अपना कमीशन डिडक्ट करेगा। ओके, कमीशन और एक्सपेंस दोनों डरेगा। दी रेमिटेंस मेड इन एडवांस, और अगर उसने एडवांस दिया होता है, इफ एनी आर आल्सो टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दी बैलेंस सो ऑब्टेन्ड, और अगर उसने कोई एडवांस भी बनाया होता है, दिया होता है, तो वो भी डिडक्ट करके बैलेंस को ऑब्टेन कर लेता है। द कंसाइनी विल सेंड अ बैंक ड्राफ्ट और हिज एक्सेप्टेंस फॉर द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर, कंसाइनी जो है एक बैंक ड्राफ्ट के थ्रू उसको भेज देता है। ठीक है, बैलेंस जो भी होता है कंसाइनर को। अब देखिए स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, विल गिव यू क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ ऑन अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड। अब स्टूडेंट इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, उसके बिहाफ में मैं आपको ये अकाउंट सेल क्लियर करूँगी। ओके, देखिए स्टूडेंट, ऑन जनवरी 1st 2018 बाबर ट्रेडर ऑफ मुंबई कंसाइन 500 बुश रेडियो सेट्स टू हरी कृष्ण एंटरप्राइजेज चेन्नई। जनवरी 1st 2018 में बाबर ट्रेडर ऑफ मुंबई ने कंसाइन किया 500 बुश रेडियो सेट्स, ओके, हरी कृष्ण एंटरप्राइज को। ओके, द कॉस्ट ऑफ ईच सेट वाज 750, जो सेट की कॉस्ट है वो 750 है ईच। ऑन द रिसीविंग द कंसाइनमेंट हरी कृष्ण एंटरप्राइजेस सेंट अ बैंक ड्राफ्ट 4 रुपीज़, हरी कृष्ण ने एक ड्राफ्ट भेजा, ठीक है, किसको, बाबा ट्रेडर को, ₹25,000 एज एन एडवांस टू बाबा ट्रेडर। ओके, बाबा ट्रेडर को 25,000 एडवांस भेजा, किसने, हरी कृष्ण ने, जो कंसाइनी है। हरी कृष्ण एंटरप्राइजेस पेड ₹1,500 फॉर फ्रेट, फ्रेट के लिए पे किया उसने 1500, 2000 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 2500 फॉर गोडाउन रेंट एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस उसने किए, हरी कृष्ण ने किए। ओके, हरी कृष्ण एंटरप्राइजेस सबमिटेड ऑन अकाउंट सेल ऑन मार्च 1st 2018 को उसने अकाउंट सेल सबमिट किया दैट ऑल दी सेट्स हैव बीन
सोल्ड एट रुपीज 850 ईच. ठीक है, उसने 850 में सारे जो है सेट्स को सेल कर दिया. दे वर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन सेल, और उसने कमीशन जो है उसका 10% सेल पर उसका बनता है. ठीक है, पूरी जो सेल की है उसने उसका 10% कमीशन उसका बनता है. अब प्रिपेयर दी अकाउंट सेल. तो स्टूडेंट देखिए कैसे बनाएंगे हम. अकाउंट सेल का फॉर्मेट हमारा ये है. ओके, तो अकाउंट सेल, ठीक है, आपको फॉर्मेट टाइटल में डालना है अकाउंट सेल ऑफ 500 बुश रेडियो सेट्स रिसीव्ड फ्रॉम बाबा ट्रेडर एट मुंबई. ओके, तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देती हूँ. एक सेकेंड, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये तो टाइटल हो गया था हमारा. अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये सीरियल नंबर करना है, ये पर्टिकुलर एंड ये अमाउंट. ओके, अब देखिए स्टूडेंट, सेल है आपका 500 बुश रेडियो सेट, आपने 850 में सेल किया, तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके आपका 425,000 आ गया. 425,000 में आपने सारा गुड सेल कर दिया, तो 425,000 में आप कंसाइनी अपना जो एक्सपेंस है वो डिडक्ट करेगा. एक्सपेंस में उसने फ्रेट किया था, ऑक्ट्रॉय किया था, गोडाउन रेंट पे किया था, तो टोटल उसका हो गया था 6,000. ठीक है, वो उसने डिडक्ट कर दिया 419,000, मीन ले लिया ना 6,000 ले लिया इसमें से, तो 419,000 आया. अब उसने लेस कर दिया कमीशन, 425,000 में से 10% कमीशन कितना बनेगा, ठीक है, 4 लाख, वो कितना होगा 42,500, ये आपने कमीशन लेस कर दिया. ओके, एंड जो एडवांस उसने दिया था 25,000, वो एडवांस भी स्टूडेंट वो लेस कर देगा. यहाँ पर देखिए, ये देखिए एडवांस जो है 25,000 उसने पे किया था, वो भी लेस कर दिया, तो स्टूडेंट 351,500 जो अमाउंट बैलेंस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर बताना है बैलेंस ड्यू टू बाबर ट्रेडर रेमिटेड एज पर ड्राफ्ट एंड क्लोज्ड. ठीक है, ई एंड ओ ई ये भी मेंशन करेंगे कि कोई एरर या और या ओमिशन एरर हो. ठीक है, कोई गलती हो या भूल चूक हो गई हो. अच्छा, उसने 1 मार्च 2018 को ये बनाया है अकाउंट सेल. ठीक है, किसके लिए, हरिकृष्ण एंटरप्राइजेस ने. ठीक है, हरिकृष्ण मैनेजिंग पार्टनर है. ठीक है, ये अपना इन्होंने मेंशन कर दिया नाम, और ये किसको कर रहे हैं, बाबर ट्रेडर को कर रहे हैं. ठीक है, ये तो ये देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये देखिए बाबर ट्रेडर. ठीक है, आप बाबर ट्रेडर को अकाउंट सेल आप सबमिट कर रहे हो. ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा बन गया अकाउंट सेल. ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप अकाउंट सेल इस टाइप से बनाएंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मैं डालती हूँ. ओके, और स्टूडेंट प्लीज़ आप प्रिपेयर करते रहिए एग्जाम की. ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट.